सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके। आप एक टर्म अक्सर इस्तेमाल करती हैं, मंटोइयत। उर्दू में मेरा ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इस लफ्ज का। मैं मंटो में इतना ज्यादा वो हो गया था, मुझे लगा कि मेरे से बहुत सारी गलतियां हुई भी थी उस वक्त पे। तो मुझे रियलाइज करवाया कि ये तभी जस्टिस कर सकते हैं इस रोल के साथ जब आप पूरी तरीके से सच्चाई के साथ रहें। तो वो बहुत मुश्किल था। जब पहला ड्राफ्ट लिखा था तब तो 10 साल की कहानी थी। जब गुलाम थे तो आजादी का ख्वाब देखते थे, और अब आजाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखेंगे। मंटो, अगर आपके कन्विक्शन स्ट्रांग है तो हिम्मत खुद ब खुद आ जाती है।